इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यूरीमैक्स डी टैबलेट एमआर को खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है, लेकिन इसे हर दिन एक ही समय पर लेना चाहिए। आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे उपयुक्त खुराक लिखेगा। सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए और अपने लक्षणों का प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए आपको खुराक से नहीं चूकना चाहिए, भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हों। लक्षणों में सुधार दिखने में 4 सप्ताह तक का समय लग सकता है, लेकिन उन्हें नियमित रूप से लेते रहें। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपके लक्षणों में 4 सप्ताह के बाद सुधार नहीं होता है या यदि वे खराब हो जाते हैं। इस दवा के सबसे आम दुष्प्रभावों में नपुंसकता, कामेच्छा में कमी, स्तन दर्द और स्खलन विकार शामिल हैं। यदि ये दुष्प्रभाव आपको चिंतित करते हैं या दूर नहीं जाते हैं तो सलाह के लिए अपने चिकित्सक को फोन करें। आपको चक्कर या उनींदापन भी महसूस हो सकता है। जब आप पहली बार इस दवा को लेना शुरू करते हैं तो ये जोखिम अधिक होते हैं। याद रखें, आपके डॉक्टर ने आपको यह दवा इसलिए दी है क्योंकि लाभ साइड इफेक्ट के जोखिम से अधिक हैं। यूरीमैक्स डी टैबलेट एमआर महिलाओं या बच्चों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको लो ब्लड प्रेशर या लिवर या किडनी की बीमारी है। यह दवा उपयुक्त नहीं हो सकती है। यह अन्य दवाओं को भी प्रभावित कर सकता है या उनसे प्रभावित हो सकता है। तो अपने चिकित्सक को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं। यदि आपका साथी गर्भवती है या हो सकता है तो आपको सेक्स के दौरान कॉन्डोम पहनने की सलाह दी जा सकती है। आपका डॉक्टर आपके रक्तचाप की बार बार जांच करवाने की सलाह दे सकता है। शराब पीने से बचें क्योंकि इससे इस दवा के साथ अत्यधिक चक्कर आ सकते हैं। यूरीमैक्स डी टैबलेट एमआर के लाभ। सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया का उपचार। जब आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है तो इससे मूत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पेशाब करने में कठिनाई और बार बार या तत्काल शौचालय जाने की आवश्यकता। इससे मूत्र प्रवाह धीमा भी हो सकता है। यदि इलाज नहीं किया जाता है तो एक जोखिम है कि आपका मूत्र प्रवाह पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा। यूरीमैक्स डी टैबलेट एमआर दो दवाओं का एक मिश्रण है, ड्यूटास्टेराइड और तमसुलोसिन। ड्यूटास्टेराइड एक हार्मोन के उत्पादन को अवरुद्ध करके आपके प्रोस्टेट के आकार को कम कर देता है, जो इसे बढ़ने का कारण बनता है। तमसुलोसिन मूत्राशय और प्रोस्टेट में मांसपेशियों को आराम से काम करता है। साथ में वे तेजी से लक्षणों से राहत दे सकते हैं और आपके लिए पेशाब करना आसान बना सकते हैं। हालांकि पूर्ण लाभ पर ध्यान देने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। अधिकतम लाभ के लिए इस दवा को बिल्कुल निर्धारित अनुसार लें। यूरीमैक्स डी टैबलेट मिस्टर के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। यूरीमैक्स डी के सामान्य दुष्प्रभाव। नपुंसकता, कामेच्छा में कमी, स्खलन विकार, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, खड़े होने पर रक्तचाप का अचानक कम होना, पुरुष में स्तन वृद्धि, पुरुष में स्तन कोमलता। यूरीमैक्स डी टैबलेट एमआर का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़ें नहीं। यूरीमैक्स डी टैबलेट एमआर भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।